आज का पवित्र वचन हम पढ़ेंगे भजन संगीता 107 उसका 20 आयत। भजन संगीता 107 उसका 20 वचन के जरिए जो कुछ बात है, वचन के जरिए बहुत कुछ बात होता है। वचन के जरिए ये ब्रह्मांड को यीशु मसीह ने सृष्टि किया, तो वचन के जरिए होने वाला कुछ बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कुछ बातें दिया गया है। वचन में इस एक आयत में दो बात, दो प्रोसेसिंग के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट है वचन को परमेश्वर ने भेजकर चंगाई करता है। हालेलुया। फर्स्ट इज हीलिंग, चंगाई। जो चंगाई कैसे होता है, चंगाई उत्पन्न कैसे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए चंगाई उत्पन्न तब होता है जब वचन एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन को भेजकर व्यक्तियों को चंगाई करता है, समाज को चंगाई करता है, मन को चंगाई करता है। कई ऐसे प्रोसेसिंग के बारे में पवित्र कलाम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वचन भेजने के वक्त में वचन में सामर्थ्य है। उस वचन जहां सूखे खट्टे है, हम परमेश्वर के वचन हालेलुया पढ़ने के वक्त में सूखे हड्डियों से बातचीत करने के लिए परमेश्वर की आत्मा नबी से बोला है, तो नबी ने जाकर तराई में पड़े हुए सूखे हड्डियों से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के वक्त में एक ही बात बोलने के वक्त में वैसे के वैसे हो रहा है, हड्डी हड्डियों के साथ जुड़ गई है और उसमें नाड़ियां आ गया, मांस आ गया, मांसपेशियां आ गया और उसके बाद बोला उसके ऊपर फूको, फूकने के बाद एक बहुत बड़ा सेना हो गया। मेरे आशीष हो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के वचन आने के वक्त में हमारे जीवन में चंगाई होता है या नहीं है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर वचन के जरिए बातचीत करता है, केवल हमारा बीमारी की चंगाई नहीं है, शारीरिक चंगाई नहीं है, हम बीमारी से चंगाई हो गया या कुछ बात हो गया, वो केवल वो नहीं है। हमारा आत्मिक चंगाई हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब वचन आता है, वचन हमारे अंदर चल जाता है। हालेलुया। बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए लिखा है एक वचन इब्रानियों के पत्र हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है इब्रानियों उत्तर उसका 4:12 इब्रानियों के पत्र 4:12 परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौड़ा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मत की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, ये आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। तो वचन जब हमारे जीवन में आते हैं, फिर आपसे कई लोग एक प्रजा सुनते हैं, परमेश्वर का वचन
सुनने के बाद खुद बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत किया मेरे कमी के बारे में, मेरे गुनाह के बारे में, मेरे पाप के बारे में, मेरा जीवन में क्या क्या मैंने प्रभु के साथ वायदा किया, क्या क्या हम मैंने प्रभु के वायदा को तोड़ दिया, उस विषय के बारे में पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया। कैसे? परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करता है, आपको चंगा करने के लिए चाहता है, इसलिए आपको याद दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम पाप में फंसे होते हैं, हमें परमेश्वर पाप से बचाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाने के लिए वचन हमारे पास भेज देते हैं। कई बार हम वचन को अनसुनी करते हैं, वचन को अनसुनी करते हैं। कई बार हम निर्णय लेते हैं मैं इस वचन के आधार पर चलूंगा, अर्थात परमेश्वर ने वचन को भेजकर हमारे और परमेश्वर के बीच में जो कुछ दीवार है वो दीवार तोड़ने के लिए, हमें चंगाई करकर गला लगाने के लिए परमेश्वर चाहता है। कई बार हमारे जीवन का कमी को, गलती को, गुनाह को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, फिर भी हम वही बाप के पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। यदि हम चंगाई होने के लिए चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास, हालेलुया, अंधा आ गया, आकर पूछा, हे दाऊद, अंधा ने बोला, हे दाऊद की संतान मुझको दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पास में बुलाया। बुलाने के बाद ये पूछा, मैं तेरे लिए क्या करने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। तो जैसे वो बोला, मैं देखने के लिए चाहता हूं जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे हो जाए, वचन को भेजा वो चंगा हो गया। तो यदि हम अविश्वास करें, परमेश्वर का वचन के आधार पर से हम चलने के लिए तैयार नहीं है, उस चंगाई जो वचन के जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य का करने के लिए चाहता है वो नहीं होगा। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ते हैं, वचन बीज को भेजा, बीज को बोया, बोने के बाद पत्थरली जमीन में गिरा, वो तो उग गया और जड़ जाने के लिए जगह नहीं है, उसमें थोड़ा सा ही मिट्टी रहे, जड़ जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जब सूरज आ गया सूख गया। हमारे जीवन में परमेश्वर अपना वचन को भेजकर हमें रूपांतरण करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हमारे कई बार आप लोग से बताया, कई प्रचार करने के बाद मेरे को ये महसूस होता है, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कर रहा है, जो मैं प्रचार कर रहा हूं वही बात मुझसे बात कर रहा है, मेरे कमी के बारे में, मेरे गलती के बारे में, मेरे वायदा के बारे में, मैं क्या करना है, आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे मैं प्रभु के सेवकाई के लिए बढ़ना है, ऐसे एक एक बात पवित्र आत्मा अपने वचन के आधार पर उसे बातचीत करता है, जैसे वैसे आपके जीवन में भी प्रभु ने काम करता है। कई बार हम चंगे क्यों नहीं होते हैं? कई बार हम अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई लेते हैं, हालेलुया, टेस्ट करते हैं, बीमारी हमको पता चला, डॉक्टर को पता चला, डायग्नोस कर बीमारी डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर ने उसके लिए प्रिस्क्राइब कर मेडिसिन लिख लिया। मेडिसिन लिखने के बाद उस मेडिसिन को यदि हम ना खाए तो बीमारी कभी भी चंगाई नहीं होते। वचन सुनने के बाद भी हम सुधरने के लिए या हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो वचन के जरिए चंगाई हमारे जीवन में नमकीन है, कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है वचन को भेजकर हमें चंगाई करने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे गलती को दूर करने के लिए, हमारे बीमारी को चंगाई करने के लिए, हमारे टूटे हुए रिश्ता को जोड़ने के लिए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कहां कहां टूटा हुआ है उस रिश्ता को जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। कई बार हम इनकार करते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम निर्णय लेते हैं, ऐसे हम चलते नहीं,
हालेलुया हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर वचन को भेजकर संकार करते हैं। हालेलुया। एक है वचन के जरिए चंगाई है, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। कई बार मैं रसमा इसके बीच में हम एक ऑनलाइन क्लास में हम अटेंड कर रहे थे, कुछ बातों में हमको बहुत हम दोनों दुख में थे। तो हम दोनों बैठे बैठकर उस क्लास में अटेंड कर रहे थे। सच में हम दोनों से पवित्र आत्मा ने क्लास के जरिए बातचीत किया। हमको ऐसा लगा ओ इससे भी बढ़कर हालेलुया, हमको सांत्वन देने के लिए, हमको हालेलुया आराम दिलाने वाला है कौन है। हालेलुया। एक एक की प्रजा, एक एक की वचन, जब आप प्रार्थना करने के वक्त में, जब आप बाइबल पढ़ने के वक्त में, जब आप प्रजा सुनने के वक्त, जब आप आराधना करने के वक्त में, परमेश्वर की वचन आपके जीवन में आने के वक्त में इनकार नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा कमी महसूस होता है, इसलिए है हम वचन सुनते हैं वैसे चलते नहीं। हमको पता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करते हैं, तो परमेश्वर हमसे दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमको कई बार परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन को भेज कर चंगा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, और जिस गड्ढी में मैं पड़ा जो परमेश्वर का वचन जो उसका 107 उसका 20 आय, वो अपने वचन काल के ओना को चंगा करता है, तो ओना को तबाही को चंगा करता है, तबाही को बचाता है। हिंदी में, और जिस गड्ढे में वो पड़ा है उससे निकालता है। जिस गड्ढे में वो पड़ा है, जिस गड्ढे में पड़ा है, कई बार हमें शैतान ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं, पाप की गड्ढे, नशा की गड्ढे, शराब की गड्ढे, गलत काम की गड्ढे, चोरी का, लूटने का, चुगली निंदा करने का, दूसरे को नीचा करने का, दूसरे को दोषी लगाने का, परमेश्वर के खिलाफ बोलने का, दुनियादारी होने का, रीति रिवाज करने का, अंधविश्वास के पीछे चलने का, ऐसे कई गड्ढे में हमें शैतान गिरा देते हैं। गड्ढा क्या होते हैं? सामान्य रीति से नीचे, जो बेसिक है बेसिक से नीचे है, जो आम है आम से नीचे है, गड्ढा गिरा हुआ है, गिर गया। हम कितने बार गिरा हुआ है परमेश्वर की आत्मा के जरिए वाचन हमें उस कमी को याद दिलाते हैं, एकदम हम हार लिया, नहीं ये गलत है, मैं नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है, इसलिए मैं ये नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर इस बात को इनकार करता है, इसलिए मैं इधर नहीं बैठना चाहिए, गड्ढे से निकाल देते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, उसको वचन तो देकर हमें गड्ढे से निकाल देते हैं। कितने पाप, कितना पाप के गड्ढे में हम गिरे हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर के दया हमें उधर से हालेलुया निकाला है। कई लोग हालेलुया, मुझे सुनने वाले लोग कई लोग हैं हालेलुया, पाप के गड्ढे में जब पड़े थे, पड़ने के बाद हालेलुया परमेश्वर के वाणी, परमेश्वर के वचन उनके जीवन में जब कार्य काम किया, परमेश्वर के वचन जब उन्होंने सुना, विश्वास किया, उन्होंने
तुरंत बोला ये गलत है, ये परमेश्वर के खिलाफ है, आगे इस रास्ते में नहीं, आगे इस काम में नहीं करना, आगे ऐसा मेरे जीवन में कभी भी नहीं होगा। हालेलुया, गड्ढा से निकालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आप सोच कर देखना कितने बार हालेलुया आप मन के अंदर ही अंदर हालेलुया आप बहुत दुखी हो गया, मेरे जीवन में ऐसे क्यों आ रहा है, मैं जितना सुधरने के लिए चाहता हूँ उससे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के वाणी जब आपके जीवन में आया, आप इसलिए हालेलुया छुटकी में उस गलत बात को, गलत काम को, गलत स्वभाव को, गलत हालेलुया संगति को आपने छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन में उतना सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने हालेलुया नशा छोड़ने के लिए दवाई खाते हैं, कुछ नहीं होता है, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है उन्हें दमे रहता है, आगे हमेशा हम नहीं मिलेगा। कई नशाड़िया नशा करते करते हालेलुया परिवार को, समाज को पूरी रीति से हालेलुया करते हैं, उन लोगों के जीवन में जब परमेश्वर की आत्मा हालेलुया कार्य काम करते हैं, जब हालेलुया परमेश्वर की वचन जीवन में कार्य काम करते हैं, तुरंत उन्होंने नशा छोड़ देते हैं। हालेलुया, कितने लोग मैं जानता हालेलुया उन्होंने गलत बात में गलत कामों में बहुत फंसे थे, परमेश्वर का वचन जब उनके जीवन में कार्य करने लगा उन्होंने अपने आप महसूस हालेलुया अंधेरा में है, हालेलुया गड्ढा में अंधेरी है, अंधेरा ही है। हालेलुया, जब हालेलुया ज्योति की ओर आया उन्होंने ये महसूस किया मैं गलत हूं, आगे गलत नहीं करना चाहिए, आगे गलती नहीं करना चाहिए, मैं परमेश्वर का है। हालेलुया, ओके, इधर लिखा है परमेश्वर ने उनके वचन को भेजकर चंगाई करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकाल देते हैं। हालेलुया, वचन में कितना बड़ा सामर्थी काम है, हालेलुया कितना बड़े सामर्थ्य काम है जो इंसान को नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्थावरण उसका 8:3, व्यवस्थावरण की पुस्तक 8:3, हम परमेश्वर के लोग हैं,
हमको हालेलुया हम भूखे रहने ही पड़ेगा, परमेश्वर हालेलुया हमें जांच कर देखता है क्या है। हालेलुया आगे इसका मतलब निकाला है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। फिर वो मन्ना जिन्हें ना तू और ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया। देखो पहले भूखा होने दिया, उसके बाद परमेश्वर का काम तो दिखाया, जो बात उनके पुरखों ने नहीं देखा उसके बाद कोई भी नहीं देखा, मन्ना स्वर्ग से बरसाकर इनको खिलाया। हम अच्छा तो जानते हैं 40 साल इसराइल लोग लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग मन्ना हालेलुया खाया, मन्ना जंगली उनके कनान देश के और जाने के वक्त में उनके लिए हालेलुया हर रोज सवेरे सवेरे हालेलुया मन्ना देते रहा। सुबह उन्होंने जितना चाहिए वो सब कुछ इकट्ठा करता है, कल के लिए नहीं करना है, उन्होंने रोज ऐसे किया, सब कुछ इकट्ठा किया, खाया पिया बढ़िया लेते रहा। आगे पूरा करेगा, इसलिए मैं कल्या उस विच सफल होएगा।
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्रत ठहराकर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर ने जो वचन बोला है वो काम करने के बिना वो लौट कर आते नहीं है। परमेश्वर ने जो शब्द मुंह से निकाला उसका काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के वक्त में हम शुरू से लेकर आखिरी किताब तक हमको ये देखने के मिलता है संसार में उजाड़ में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने ऐसे बोला हो जाए, उत्पत्ति किताब में हो जाए, सब कुछ हो गया। वचन को हालेलुया बोला वैसे के वैसे ही होने लगा। लाजर के हालेलुया कब्र के सामने गुफा के सामने जिस गुफा में लाजर को रखा था उस गुफा के सामने प्रभु यीशु मसीह ने आकर बोला हे लाजर बाहर आ। उस वचन जैसे गया वो काम कर कर ही आया है। हालेलुया। हमने इसके बीच में किसी के घर में हम संगत करने के वक्त में हमने ये पढ़ रहे थे हालेलुया नई के विधवा के घर में आते नई के विधवा नई के शहर में हालेलुया विधवा थी उस विधवा का बेटा मर गया उधर जा उधर हालेलुया उस आरती को लेकर आने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उस आरती को छुआ और हालेलुया उस लड़का को जिंदा किया। परमेश्वर का वचन उसके काम करता हालेलुया। हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन काम करने के लिए मौका देना, अनसुनी नहीं करना, अनदेखी नहीं करना। वो अनदेखी करे अनसुनी करे हमारे लिए हालेलुया वो सजा की कारण हो जाता है। हालेलुया। वचन हमें चंगाई करता है, वचन हमें गड्ढे से निकाल देते हैं, वचन हालेलुया हमें हालेलुया परमेश्वर मन केवल रोटी से नहीं है परमेश्वर को वचन के जरिए ही हम जीवित रहते हैं क्योंकि हम विश्वास में जीवित रहना वो वचन के जरिए ही होता है। आइए सभी आंखों को बंद करें हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य काम करने के लिए वचन काम करें दिन दिन वचन नहीं है, किसी के कहने से नहीं है, किसी का सपने से नहीं है, किसी का आदेश से नहीं है। वचन हमारे जीवन में कार्य काम करना, वचन के लिए हम समर्पण करना, हमें अंधविश्वास को दूर करना। वचन जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में होने दो। कौन सी ऐसे बात में हालेलुया दुखी है वचन आपको चिंताई करने के लिए चल रहा है? कौन सी ऐसे गड्ढे में है पाप की गलती की गुनाहों की कमी की गंदे आदत की गड्ढे में है उधर से प्रभु निकालने के लिए चाहता है अपना वचन को भेज कर। संसारी केवल संसारी बातों से नहीं है परमेश्वर का वचन से भी हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर का वचन उसका काम करने के बिना लौट कर आते नहीं है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मित्र अवसर के लिए जो वचन आदि में थे जो वचन के जरिए आप में हालेलुया हमारे नया जीवन की ओर चलाया वही वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। कई बार हम वचन सुनते हैं निर्णय लेते हैं मनमत जी प्रभु जी हम केवल सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं है बल्कि वचन के आधार पर चलने वाले होने के लिए आप हमें बहुत उत्साह वचन के लिए जो आशीष बरकत है वो हम हासिल करने पा रहे प्रभु यीशु।